किससे शिकायत करो जब धोखा कोई अपना ही दे दे, ऐसा इंसान धोखा दे दे जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया। तो अगर ये स्टोरी आपकी है, अगर आप किसी लव ट्रायंगल का हिस्सा बन चुके हैं, आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बुक बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। ओके, सो चलिए दो डेक्स यहाँ पर रखे हैं, देखते हैं इस डेक से आपकी एनर्जीज, इस डेक से आपके पार्टनर की एनर्जीज। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं क्या बोलते हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में, राइट? लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं आज आपकी रीडिंग्स क्या आ रही हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी कार्ड्स के साथ। अगर आप लोग अपने लिए ब्रेसलेट्स बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा, ये ब्रेसलेट्स आपके नाम से एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे, राइट? सो चलिए आपकी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है इनोसेंस का कार्ड। सो आप बहुत बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट इंसान हैं, भोले भाले इंसान हैं, दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं ईजीली, अपनी तरफ से हर गलती की माफ़ी मांग लेते हैं, भोले भाले इंसान हैं। दूसरों की केयर करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को चाहना, यहाँ तक कि दूसरों की हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस है आपके अंदर, चलाकी आप समझ नहीं पाते हो, पॉलिटिक्स आप समझ नहीं पाते हो, सिर्फ और सिर्फ भरोसा करना आता है, वही आपने किया है, राइट? बहुत एफर्ट्स डाले हैं आपने रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो सेकंड कार्ड यहाँ आ गया है गिल्ट का कार्ड, राइट? सो इनोसेंस के बाद सीधा गिल्ट, इसका मतलब देखो, आपकी इनोसेंस के साथ जब खेला गया, आपकी सच्चाई के साथ, आपके भोलेपन के साथ, आपके भरोसे के साथ जब खेला गया, आपके ट्रस्ट को जब तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट हुआ कि आपने आपकी मतलब आपने क्या गलती की, आपका क्या फॉल्ट था जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत कर दिया, आपको धोखा दे दिया। सो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट है, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन है, परेशानी है, उस गिल्ट से आप निकल नहीं पा रहे हो, उस उलझन में फंस के रह गए हो, सही गलत समझ नहीं पा रहे हो। पास्ट में जो आपके साथ हुआ या फिर आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया है ना, उसने आपको बहुत बुरी तरीके से अंदर से तोड़ के रख दिया है। समझ नहीं पा रहे हैं किसका सहारा लें, किससे बात करें, कैसे चीज़ें ठीक करें, बिगड़ती चली जा रही हैं चीज़ें, बर्डन बन गया है ये रिश्ता, बर्डन बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो आप, ये भुलाए नहीं भूल रहे हैं इंसिडेंट्स। ओके, सो देखो बर्डन तो यहाँ इस तरीके से कार्ड निकल के आया है जिसमें कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने थर्ड पार्टी और पार्टनर को साथ में या तो देख लिया है, राइट, कुछ ऐसी चीज़ें देख ली हैं या सुन ली हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, और ये अब ना धीरे धीरे करके ये चीज़ें आप पर बोझ बनती जा रही हैं, ये रिश्ता आप पर बोझ बनता चला जा रहा है, ये इंसान आपके दिलो दिमाग को खाए चला जा रहा है, बहुत बुरी कंडीशन में आप दिखाई दे रहे हो, थर्ड पार्टी आपके सिर पर चढ़ कर के ऐसे बैठ गई है जैसे कि मानो पूरा खेल उसी ने रचा हो। तो कहीं ना कहीं पूरा खेल थर्ड पार्टी का रचा हुआ है, आपके पार्टनर आपके साथ एंगेज्ड हैं ये जानते हुए भी आप इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, और आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जो कि इस बोझ को सहन नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, वहीं कहीं आपकी ज़िंदगी रुक गई है, अलोननेस, जो साथ चला था साथी वही आज साथ छोड़ गया है। सो बहुत अकेलापन आप फील कर रहे हो,
आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रीयूनियन मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं पर्सन जैसे भी हो कैसे भी करके वापस आ जाए, क्योंकि आप उस पर्सन के बिना नहीं जी सकते। तो ज़रूर क्लेम कीजिए यहाँ पर रीयूनियन। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो इस आंसू का बदला, इस तकलीफ़ का बदला पार्टनर और थर्ड पार्टी से कई गुना ज़्यादा लेना चाहते हैं। आपको, आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को और आपके पार्टनर का कर्मा, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। क्योंकि जिस तरीके से अकेलापन आपकी यह ज़िंदगी को खाए चला जा रहा है, आपको परेशान किया चला जा रहा है, आपके दिमाग के साथ खेल रहा है ये अकेलापन, ये सूनापन, ये खालीपन। अभी भी आपको एक होप ज़रूर है कि डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके साथ न्याय होगा, तो ज़रूर जस्टिस क्लेम कीजिएगा, राइट। टोटैलिटी का कार्ड आया है। आपने बहुत बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को समझाने की कोशिश की, रिश्तों को पकड़ने की कोशिश की, पर आपका भरोसा कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ही तोड़ दिया है। थर्ड पार्टी तभी रिश्तों में आती है जब पर्सन अलाउ करता है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, आपके पीठ पीछे खंजर घोंप दिया है और आपके ही भरोसे को तोड़ करके थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। देखो, आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये एक आपको एक सपोर्ट की तरह आप इस पर्सन को देख रहे थे, एक सहारे की तरह आप इस, एक दोस्त की तरह आप इस पर्सन को देख रहे थे। ये जो आपका पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि दोस्त पहले हैं और रिलेशनशिप बाद में है, बट धीरे धीरे करके ना ये दूरियां बढ़ती चली गई, ये चीज़ें नुकसान करती चली गई, काफ़ी कुछ लाइफ में परेशानियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, और इन परेशानियों के चलते, इस भरोसे के चलते, इस एफर्ट्स के चलते आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगने लगा है ना कि कुछ कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता है जहाँ पर भरोसा हो, ठीक है। अब आप भरोसा भी नहीं कर पा रहे हो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तक कि आपके आसपास के जो लोग हैं वहाँ, वो भी आपको खुश देखना चाह रहे हैं, आपका साथ देना चाह रहे हैं, बट अब आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। टर्निंग इन का कार्ड आया है, राइट। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो टर्निंग इन की पोजीशन पर आ चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप खुद पर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं, अपने ऊपर से ध्यान आप लोगों का हट गया था, इस पर्सन और थर्ड पार्टी की तरफ चला गया था, कहीं ना कहीं आप अपना वजूद खो रहे थे, आप भटक गए थे, आप अपनी राह से इधर उधर भटक गए थे। बट अब जैसे जैसे ये इंसिडेंस आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है, वैसे वैसे आप और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हो, स्पिरिचुअल होते चले जा रहे हो, आपकी आस्था ईश्वर में, डिवाइन में बढ़ती चली जा रही है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका जब से ये दिल टूटा है, जब से रिलेशनशिप टूटा है, तब से आपने कई लोगों से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है, मतलब आप ये चाहते हो कि आपकी या तो हीलिंग हो जाए, ठीक है, या फिर आपके रिश्तों की हीलिंग हो जाए, थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, पार्टनर को कर्मा मिले, राइट। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रीडर्स के पास जा रहे हैं, हीलर्स के पास जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके चीज़ें ठीक हो जाएं, इन लोगों को कर्मा मिल जाए, और आपकी तकलीफ़ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने इस तकलीफ़ को संभालने की कोशिश की है, ठीक है, अपने अंदर ही उजाले को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ज़्यादा बेटर है ना। अगर आप कोशिश करेंगे दूसरे को बदलने की तो बहुत मुश्किल है, राइट। तो सिचुएशन के हिसाब से खुद पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी यहाँ पर है, डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं। और देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओ माय गॉड, सो पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है, डेथ का कार्ड। सो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, फर्स्ट कार्ड ही डेथ आ चुका है। सो देखिए, आपके पार्टनर यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत जल्द चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं। सो कर्मा क्लेम करो, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर कर्मा दिखा रहा है। सिचुएशन ऐसी बन जाएगी खुद ब खुद कि थर्ड पार्टी घुटने पर आ जाएगी, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर सब चीज़ें ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बुरी हालत होने वाली है थर्ड पार्टी की, राइट। और ये कार्ड यही बता रहा है कि डेथ है यहाँ पर, इस रिश्ते का अंत होने वाला है, राइट। सो बहुत जल्द यहाँ पर जल्दी जल्दी डेथ क्लेम कीजिए, जल्दी जल्दी यहाँ पर क्लेम कीजिए कर्मा, बिकॉज यहाँ पर डेथ आने का मतलब यही है कि शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है इन लोगों की, और शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है इनके रिश्ते ख़राब होने की। एम्परर का कार्ड आया है, एरीज़ मेष राशि प्रोमिनेंटली आ गई है, और ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंसी है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है आपके पार्टनर के अंदर, जो कि शायद इस थर्ड पार्टी को भी पसंद नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड आपके साथ भी आपके पार्टनर दिखा रहे हैं,
राइट, और थर्ड पार्टी के साथ भी ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरू शुरू में चीज़ें हो सकता है ठीक चल रही हो, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं देख पा रही हूँ कि इनके एटीट्यूड के चलते, इनके रवैये के चलते चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही है, राइट, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जस्टिस, सो जस्टिस क्लेम कर लो, जल्दी जल्दी से जस्टिस क्लेम कर लो, बिकॉज जस्टिस बहुत जल्द आ रहा है, राइट। और ये कार्ड यहाँ आने का मतलब यही है कि बहुत जल्द न्याय आपकी ज़िंदगी में मिलने वाला है। क्लेम करना है जस्टिस, राइट, क्लेम नहीं करेंगे तो यहाँ पर डिवाइन तक, यूनिवर्स तक आपकी बातें नहीं पहुँचेंगी, राइट। सो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, सही गलत सामने आने वाला है, झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। थर्ड पार्टी की सच्चाई डेफिनेटली लोगों के सामने, आपके पार्टनर के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष सिंह, धनु राशि आई है। ये कार्ड अगेन यही बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा निगरानी करने लगे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ तो चल रहा है, राइट। किसी रीज़न से ज़रूर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई है। और क्या क्या चल रहा है? धोखा चल रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है, राइट। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा है, जस्टिस आ गया है। यहाँ पर आपके पार्टनर को कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को धोखा देती हुई दिखाई दे रही है और धोखा देकर के भागती हुई दिखाई दे रही है। सो आपके पार्टनर को अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि ये थर्ड पार्टी बहुत बड़ी धोखेबाज है, चालू इंसान है, बहुत ही ज़्यादा झूठे इंसान है। हेरोफेंट का कार्ड आया है, राइट। सो यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपके पार्टनर के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ आपके पार्टनर हो सकता है बहुत जल्द इस थर्ड पार्टी से डिफरेंसेस के चलते डिवोर्स ले या फिर सेपरेशन होने के लिए सोच सकते हैं। सो बहुत जल्द इस थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। टू ऑफ स्वॉर्ड, राइट। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए दोनों के मन में नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये कार्ड यही बता रहा है कि थोड़ा टाइम बाद ये थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ब्लॉक कर देंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं चीज़ें कर्मा की तरफ जा ही रही हैं और कर्मा इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको ब्लॉक किया था, आपके साथ पॉलिटिक्स की थी, आपके साथ गलत किया था, आपको धोखा दिया था, आपसे चीटिंग की थी, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हुई हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर को भी ये सारा कर्मा भुगतना पड़ेगा, राइट। सो पार्टनर को भी यहाँ पर चीटिंग हो रही है, जो कि धीरे धीरे करके आपके पार्टनर के सामने वो खुलेगी एंड डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी की एग्जिट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, राइट। लास्ट का कार्ड देख लेते हैं क्या आया है। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लास्ट आया है, जो कि यही बता रहा है कि आप दोनों के रिश्तों की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पार्टनर से एग्जिट करती हुई दिखाई दे रही है उनकी लाइफ से, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी के बहुत अच्छे रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी जॉब को सर्च कर रहे हैं, किसी काम को सर्च कर रहे हैं, किसी भी रीज़न से अगर आप पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप बहुत जल्द अपने काम को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके रिश्तों में एक शुरुआत होने वाली है, राइट। और अगर जितने लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पर्सन वापस आ जाए, तो बहुत जल्द ये पर्सन के वापस आने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं वापस आना और आप चाहते हो कि कर्मा मिले, तो डेफिनेटली कार्मिक सिंह की तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारी इस रीडिंग को। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून 2190, वहाँ जा कर के आप और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। फटाफट से लिंक को क्लिक कीजिए और देख लीजिए आगे की वीडियोज़ को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।